वक्त काशिफ शरीफ हमारे दौरान मौजूद हैं। आज क्रिकेट मैच हुआ, दिलचस्प हुआ। मैच से पहले जब टॉस हुआ तो मैंने काशिफ शरीफ से पूछ रहा कि कितने एक टारगेट आप बना लेंगे, तो उन्होंने कहा 150। तो बहरहाल ये कि 105 टारगेट दिया उन्होंने। काशिफ बहुत मुबारक हो आपको, आपकी जीत बड़ी कामयाबी हुई। और एक तो ये था कि आप वर्ल्ड T20 जो हो रहा है उसमें तीसरे नंबर पर भी आ गए, क्या फीलिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, सब लड़के बहुत खुश हैं। और जैसा सबने देखा एक आउटस्टैंडिंग गेम हुआ है हमारे लिए, सिर्फ डाई वाली सिचुएशन थी, डू वाली नहीं थी, डाई वाली थी। तो एंड तक सब लड़कों ने बहुत मेहनत की, एफर्ट की, मुझे पूरा यकीन था। लड़के थोड़े से हमारा जब टोटल 105 का टारगेट दिया तो थोड़े लड़के के शोल्डर डाउन थे सब लड़कों के, तो मैंने उनको बोला भाई ये आसान नहीं है, बहुत बड़ा टोटल है, एक गेम है सर, उनके लिए भी एक मुश्किल गेम है, तो हमें फुल एफर्ट के साथ आना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जो हमने लास्ट 3 महीने में जो मेहनत की है अल्लाह ने, उससे ज्यादा हमें जितने हम था उसको दिया अल्लाह ने। आखिरी 3 ओवरों में तो मैच बदल दिया, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मैच सामने आ गया आपका, क्या फीलिंग है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैं एक एज अ कैप्टन प्लान कर रहा था, मुझे एवरेज चढ़ानी थी तो मैं खुद आउट के लिए नहीं जा रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा जब एवरेज ऊपर चढ़ेगी। पहले 10 ओवर में तो बॉल टू बॉल गेम चलता रहा, उसके बाद मैंने कोशिश की थोड़ा इनके ऊपर एवरेज चढ़े, तो जिधर से एवरेज उनके ऊपर चढ़ी उनका प्रेशर हुआ, तो इंशाल्लाह हमारे लड़कों ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की जिसकी वजह से हम मैच आराम जीत गए। कुछ बैटिंग के हवाले से बताएंगे, कुछ मिस्टेक्स को ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में आपके लिए अच्छी होंगी? देखिए हमने बहुत कुछ अभी सीखा है इस टूर्नामेंट में, बहुत हमने गलतियाँ की हैं जिनको हमारे कोचेज ने, हर्षल गिब्स था हमारे साथ और भी लोग थे कोचेज में, उन्होंने हमें बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन फ्यूचर में हम वो सारी रिकवर करेंगे गलतियाँ। बैटिंग में थोड़े क्लैप्स होते रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी विकेट की कंडीशंस भी ऐसी थी, वो अलाउ नहीं कर रही थी कि हम लोग हिटिंग करें या ऐसा खुल के खेलें जो T20 गेम है, ये लो स्कोरिंग विकेटें थी, तो लड़कों ने थोड़े क्लैप्स हुए लड़कों में जिसकी वजह से हमने स्कोर्स कम किए हैं मैचेस में। बारिश हुई और कुछ ये सूरत हाल थी कि हम सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा मैच का जो ना कंडीशन बड़ी ख़राब रहेगी, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, माशाल्लाह आपने बड़ी मेहनत की। वैसे आप क्या किसको क्रेडिट देंगे इस मैच को, जो कम बैक लेके आने में किसका आप किरदार है? आपकी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी आज। देखिए मेरी तो बॉलिंग अच्छी थी लेकिन मैं किसी को एक सिंगल पॉइंट आउट नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में जो 11 लड़के थे और जो 3 बाहर थे, सब लड़कों ने आउटस्टैंडिंग एफर्ट किया, आउटस्टैंडिंग, सब ने देखा और वो किसी एक ने नहीं, ये पूरी टीम की जीत थी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बसरबाग इंशाल्लाह, थैंक यू जी। व्यूअर्स ये थे काशिफ शरीफ जिन्होंने आज बहुत मेहनत की, अपनी टीम को इकट्ठा किया, यही सोचा कि 105 का जो टारगेट है वो हमने नहीं होने देना, और यही कामयाबी थी आज कुवैत की टीम जी माशाल्लाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और मैं यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाले जो टूर्नामेंट होंगे, आने वाले मैच होंगे, वो यकीन तौर पर बहुत अच्छे होंगे। अब थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह ग्रैंड फिनाले होने वाला है और हम इंशाल्लाह उसकी कवरेज के लिए आपको फुटेज भी, उसकी लाइव कवरेज भी देंगे। हमारे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।